और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईडी की रडार पर डीसी मोटर्स के मालिक हैं। ईडी ने दिलीप छाबड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुवार को मुंबई पुणे में ईडी का छापा हुआ। ईडी ने 6 जगहों पर ये छापेमारी की और प्रवर्तन निदेशालय ने डीसी मोटर्स के मालिक दिलीप छाबड़िया के खिलाफ मुंबई पुलिस और ईओडब्ल्यू की सीआईयू यूनिट द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये छापेमारी की गई है और मामला दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी अरुणील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए। अरुणील, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है और क्या कुछ जानकारी है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। दिलीप छाबड़िया जो कि एक रिनाउंड कार कंपनी है डीसी मोटर्स, उसके ओनर है और 5 से 6 जगह पर इसकी छापेमारी भी की गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से कल। मुंबई और पुणे के लोकेशंस पे डीसी मोटर्स और दिलीप छाबड़िया से जो रिलेटेड है। अभी जो ये केस रजिस्टर हुआ है वो इस बेसिस पे रजिस्टर हुआ है, जो पहले जो 2 केसेस रजिस्टर हुए थे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और मुंबई पुलिस के क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, 2 सीआई यूनिट की तरफ से रजिस्टर हुए थे और 1 इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से हुआ था। इस बेसिस पे हुआ था कि एलिजिबली दिलीप छाबड़िया ने लोन लिया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एज अ कस्टमर पोज करते हुए डीसी मोटर्स के स्पोर्ट्स कार बाय करने के लिए। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हद तक देखी गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और इसके ही बलबूते पे दिसंबर 2022 में उन्हें अरेस्ट भी किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। तो अभी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्रेश केस रजिस्टर किया जी। अरुणिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।